हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब उम्मीद करते हो बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर ट्वेल्व गणित सब्जेक्ट के बेटा सिक्स क्लास के बच्चों के लिए पाँच तारीख की है ठीक है जिसमें बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पूर्णांकों का घटाव कैसे होता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन जान लेते हैं बेटा जैसा कि हम जानते हैं घटाना अर्थात हटाना ठीक है मतलब कि किसी वस्तु को हटा देना कम कर देना धनात्मक पूर्णांक में हम उसी तरह से घटाते हैं जैसा कि पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं जैसे चार में से पाँच गए ठीक है परंतु कुछ पूर्णांकों में जहाँ घटाना संभव नहीं होता हम योज्य प्रतिलोम का उपयोग करते हैं ठीक है योज्य प्रतिलोम का उपयोग करते हैं ये योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है कि पूर्णांकों का ऐसा युगम जिन्हें जमा करने पर शून्य प्राप्त होता है तो हम ऐसे युगम को उसमें ऐड कर दें जिनके जमा करने पर क्या होता है जीरो आता है जैसे कि माइनस सिक्स में अगर प्लस सिक्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो प्लस सेवन में माइनस सेवन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा जीरो ऐसे ही आप बताइए कि माइनस नाइन का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो देखो बेटा माइनस नाइन है इसमें हम क्या ऐड करेंगे प्लस के नाइन तो ये क्या देगा हमें जीरो ठीक है अब नेक्स्ट देखो बेटा संख्या रेखा द्वारा पूर्णांकों का घटाव कैसे होता है तो संख्या रेखा की सहायता से कैसे होता होता है बेटा देखो तो यहाँ पर आपको दिया है दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव दो धनात्मक पूर्णांक है आपके पास प्लस का फोर और माइनस का प्लस का ही फाइव है तो अब क्या करोगे बेटा देखो प्लस का फोर लिख लिया अब ये दोनों साइन आपको याद रखना है जब भी अपोजिट साइन हो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो तो हमेशा हमें माइनस मिलेगा ठीक है और जब प्लस हो इधर और इधर, इधर माइनस हो तब भी हमें माइनस मिलेगा क्योंकि ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से लेकिन जब सेम साइन को गुना करते हैं माइनस को माइनस से गुना करो या प्लस को प्लस से गुना करो तो हमेशा माइनस ही मिलता है ये बात आपको याद रखनी है ठीक है अब करते हैं बेटा देखो यहाँ पर प्लस फोर है तो प्लस फोर लिख लिया अब ये दोनों साइन अपोजिट है इसका मतलब हमें साइन कौन सा मिलेगा माइनस तो माइनस लिख लिया फ़ाइव को लिख दिया यहाँ पर अब इसको संख्या रेखा पर देखो प्लस फोर का है बेटा एक आपको संख्या रेखा ऐसे ड्रॉ करनी होती है ये ये रही जीरो जीरो से स्टार्ट करते हैं हमेशा है तो जीरो ये रही जीरो से प्लस फोर यानी कि हमें इधर बढ़ना है जीरो के अगर माइनस होता तो हम जीरो के इधर बढ़ते तो जीरो के इधर बढ़ो प्लस के फोर बेटा वन टू थ्री फोर तो ये फोर है अब इस फोर से बेटा हमें क्या बोला माइनस के फाइव यानी कि हमें उल्टा बढ़ना उल्टा जाना है ठीक है घटाने हमें पाँच इसमें से तो एक दो तीन चार और एक पाँच तो यहाँ पर आ गए तो यहाँ क्या है माइनस वन तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस वन अब ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह मिलकर क्या बनाते हैं ऋणात्मक ये मैंने बताया बेटा आपको ठीक है अब दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव कैसे होता है ये रहे धनात्मक दोनों नंबर बेटा प्लस के फाइव और ये प्लस के फोर ठीक है देख अब आप एक बात नोटिस करना बेटा यहाँ पर यहाँ पर प्लस के फोर यहाँ पर भी प्लस के फोर है यहाँ पर प्लस के फाइव यहाँ पर भी प्लस के फाइव है बस ये क्या ये इधर है और ये इधर है इतना सा चेंज आया है लेकिन हमारे आंसर में बदलाव आ जाएगा तो ये ध्यान रखना है आपको ब्रैकेट्स का भी तो देखो कैसे करोगे हमें प्लस फाइव का प्लस फाइव लिख देना है अब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है तो हमें माइनस ही मिलेगा और ये चार है ठीक है ये लिख दिया अब इसको देखो प्लस फाइव को यहाँ पर जीरो से आगे ढूंढो ये रही जीरो संख्या रेखा पर प्लस फाइव बढ़ो वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव आ गया अब इस फाइव से बोला चार कदम पीछे जाओ माइनस के चार है ना तो वन टू थ्री फोर तो देखो ये वन आ गया हमारा आंसर ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा स्थिति थ्री दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाओ तो दो ऋणात्मक पूर्णांक देखो बेटा यहाँ पर माइनस के फाइव को घटाना है माइन किसमें से माइनस के फोर से तो ये माइनस का फाइव हमने लिख दिया इधर अब बेटा यहाँ पर हम क्या ले लेंगे योज्य प्रतिलोम ले लेंगे तो माइनस फाइव का योज्य प्रतिलोम क्या होगा प्लस के फाइव ठीक है तो आप यहाँ पर ये यह लिख दोगे आपको जब क्वेश्चन करोगे तब भी ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है ठीक है तो माइनस का फाइव हमने लिख दिया अब यहाँ पर देखो दोनों एक जैसे साइन है बेटा तो ये एक जैसे तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस और हमने माइनस फोर की जगह क्या कर देंगे हम यहाँ पर प्लस फोर ले लिया था तो ये आ गया हमारा यहाँ पर ठीक है आप इसको योजा प्रतिलोम से समझो या सीधे मैंने जो साइन बताया वैसे समझ लो बात एक ही है यहाँ पर प्लस फोर आ जाएगा मतलब कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर बेटा हमें घटाने के बजाय हम देखो एडिशन कर रहे हैं जबकि यहाँ पर हम घटा रहे थे ठीक है तो माइनस फाइव संख्या रेखा पर देखो कहाँ होगा बेटा जीरो से जीरो से इधर ये रहा माइनस फाइव ठीक है अब माइनस फाइव में क्या करना है हमें चार ऐड करने हैं यानी कि इसमें हमें ऐड करने तो हमें हमें इसके इधर जाना है हमेशा किसी भी संख्या के पॉजिटिव ऐड करना हो तो इधर जाते और घटाना हो तो उसके इधर जाते उसी संख्या के तो पाँच चार इधर जाओ बेटा वन टू थ्री फोर यानी कि माइनस वन आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा स्थिति फोर ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का घटाओ प्लस के फोर में से माइनस के फाइव को घटाएंगे तो देखो प्लस का फोर हो गया ये अब ये दोनों चिन्ह जो है आपस में क्या करते हैं एक जैसे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर और ये प्लस फाइव हमने लिख लिया योजिया प्रतिलोम माइनस फाइव का ठीक है अब यहाँ पर प्लस फोर और ये भी क्या है प्लस के फाइव है तो अब यहाँ पर क्या करोगे देखो एडिशन हो रही है घटाने की बजाय मतलब कि जमा हो रहा है ठीक है तो जीरो देखो कहाँ जीरो ये रहा अब इससे चार चलो चार कदम जीरो इसके इधर चलना पड़ेगा तो ये रहा चार अब इसमें भी इस नंबर के भी आगे प्लस फाइव फोर चलना है क्योंकि प्लस के है ना तो प्लस के पाँच इधर ही चलोगे इस नंबर के इधर चलोगे प्लस पाँच एक दो तीन चार पाँच तो आपका नंबर आंसर क्या आ जाएगा प्लस के नहीं ठीक है अब इसी तरीके से बेटा देखो चलो हल करते हैं क्वेश्चन को आओ हल करें निम्न को संख्याओं पर हल करें ठीक है तो देखो बेटा कैसे करेंगे फर्स्ट क्या है बेटा फर्स्ट हमारा क्या है प्लस एट और माइनस सिक्स प्लस के सिक्स है तो क्या करोगे इसकी ब्रैकेट थी बेटा जो पहले यहाँ पर ब्रैकेट है इसको हटा दिया हमने यहाँ ये लिख दिया ठीक है मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ तो ये माइनस का एट हो गया अब यहाँ पर क्या प्लस के सिक्स है तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के सिक्स आ जाएगा ठीक है क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन है अब आठ में से छह गए दो बचे नंबर लाइन पर कैसे दिखाओगे बेटा सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो जीरो से स्टार्ट करो क्योंकि पॉजिटिव है तो जीरो से आठ तक चलो प्लस के आठ कहाँ तक आ गए बेटा यहाँ पर हमारा आठ है अब क्या बोला है इसमें से प्लस के छः घटाने हैं प्लस के छः घटाने हैं बेटा तो मतलब देखो क्या करना होगा आपको पीछे की तरफ जाना है घटाना है ना तो इस तरह पाना है आपको तो देखो एक दो तीन चार पाँच और छः तो कहाँ पर पहुँचे हम दो पर ठीक है तो आंसर हमारा क्या आ गया दो आ गया ओके अब नेक्स्ट देखो बेटा ऐसे ही नेक्स्ट नंबर दिया है आपको प्लस के थ्री में से घटाना है प्लस के फाइव को तो देखो प्लस थ्री हमने ऐसी चीज लिख लिया इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा माइनस और ये हमारा फाइव लिख लिया हमने तो इसको घटाओगे तो माइनस के दो बचेंगे अब नंबर लाइन पर कैसे पता चलेगा माइनस के दो बचे हैं तो देखो बेटा यहाँ पर पहले क्या करोगे माइनस के थ्री तक आओ प्लस के थ्री तक आओ जीरो से प्लस थ्री कहाँ पर है ये रहा ठीक है जीरो के थ्री आ गए आपको पहले ऐसे ड्रॉ करनी है ये नंबर वंबर सब ऐसे लिखते जाना फिर इस पर करना है ये प्लस के थ्री आ गए अब इस प्लस थ्री से हमें क्या करना है प्लस के फाइव प्लस के फाइव को घटाना है ठीक है माइनस के फाइव तक जाना है तो देखो वन टू थ्री फोर और फाइव यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ पर कौन सा नंबर है माइनस टू तो यही हमारा आंसर हो गया ओके okay, इस तरीके से करते हैं नेक्स्ट बेटा क्या दिया माइनस सेवन में से घटाना है माइनस के फाइव तो देखो ये ये भी माइनस ये भी माइनस हम यहाँ पर क्या करेंगे एडिटिव इनवर्स लेंगे ठीक है हम ऐड करेंगे इसको माइनस की बजाय तो माइनस सेवन नंबर हम पहले क्या करेंगे इस पर दिखाएंगे ठीक है तो देखो माइनस के सेवन नंबर हमने यहाँ पर दिखा दिए एक नंबर लाइन बनाई तो जीरो से माइनस सेवन कहाँ पर है बेटा ये रहा ठीक है ये नंबर बना लिया अब इसमें हमें क्या करना है हमने माइनस फाइव को एडिटिव इन्वर्स ले लिया था बेटा एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस फाइव इज प्लस फाइव ठीक है और बेटा हिंदी वाले अपने तरीके से लिख देना इसको एडिटिव इन्वर्स का उल्टा ठीक है तो यहाँ पर देखो अब माइनस फाइव का प्लस फाइव हो गया अब इस प्लस फाइव पर आपको जाना मतलब इधर चलना है माइनस सेवन से तो वन टू थ्री फोर फाइव तो क्या है बेटा यहाँ पर माइनस टू तो आपका आंसर माइनस टू आ जाएगा ये चिन्ह हमें बताते हैं हमें इधर जाना है या इधर जाना है ये ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस थ्री और ये माइनस थ्री को घटाना है माइनस टेन से फिर से देखो माइनस माइनस है हम एडिटिव इन्वर्स करेंगे घटाने की बजाय ऐड करेंगे तो माइनस थ्री तो हमने एज इट इज लिख लिया इस वाले का एडिटिव इन्वर्स ले लेंगे जो कि क्या हो जाएगा प्लस के दस हो जाएगा हमने लिख दिया और जो ये साइन थे ये बीच में ये प्लस हो जाएंगे ठीक है अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है बेटा तो नंबर लाइन देखो ये नंबर लाइन हमने ड्रो कर रखी है यहाँ पर आप जीरो से चलोगे और पहले माइनस थ्री जाना है तो जीरो से माइनस थ्री इधर होंगे लेफ्ट साइड में जीरो के ठीक है सबसे पहले आपको नंबर लाइन पर जीरो खींचनी है जीरो अब आपको क्या करना है माइनस थ्री जाना है तो आप माइनस थ्री वन टू थ्री तो ये रहा माइनस थ्री हम यहाँ तक आ गए उसके बाद बेटा क्या बोला है प्लस के दस तक जाना है मतलब इधर जाना पड़ेगा तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे करते जाओगे तो देखो टेन गिनना है यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वहीं से गिनना है जहाँ से आप होइए नहीं कि यहाँ पे टेन पे पूछोगे यहीं से गिनना स्टार्ट करोगे तो देखो सेवन नंबर आया तो हमारा क्या आएगा सेवन आंसर आ जाएगा ओके अब नेक्स्ट बेटा देखो माइनस थ्री और प्लस सिक्स को घटाएंगे तो क्या बनेगा ये तो माइनस थ्री लिख लिया ये प्लस सिक्स है तो दोनों के साइन अलग अलग है तो ये माइनस सिक्स हो गया अब यहाँ पर क्या करोगे जीरो ये रही हमारी जीरो से माइनस थ्री चलो मतलब कि हमें इस साइड चलना पड़ेगा माइनस में यह नंबर यहाँ पर आ गए अब यहाँ पे हमें क्या करना है माइनस सिक्स और चलना है माइनस सिक्स चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हम कहाँ पर पहुँचे माइनस नाइन पर ये हमारा आंसर हो गया ठीक है अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि माइनस सेवन में प्लस के फ़ोर ऐड करने हैं तो देखो माइनस सेवन लिख लिया इन दोनों को ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस फोर आएगा प्लस माइनस को गुना करने पे ठीक है तो माइनस सेवन देखो जीरो से माइनस सेवन हमारा ये रहा अब इस माइनस सेवन में फिर से माइनस फोर को ही ऐड करो ठीक है आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस सेवन प्लस में माइनस फोर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो अब मतलब माइनस सेवन में आपको माइनस फोर ऐड करने हैं तो देखो माइनस फोर ऐड करो तो वन टू थ्री फोर ठीक है तो ये हमारा नंबर क्या आया माइनस इलेवन तो हमारा आंसर आ गया माइनस इलेवन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा माइन प्लस नाइन में माइनस के फाइव ऐड करने हैं तो प्लस नाइन कहाँ पर होगा बेटा जीरो यहाँ पर लोगे और प्लस इस साइड चलना है अब आपको जीरो के इस साइड नहीं चलना तो नाइन ये रहा चलिए हम प्लस नाइन अब उसमें प्लस फाइव ऐड एड कर यानी कि हमें फिर से इधर ही चलना है प्लस में तो वन टू थ्री फोर फाइव तो हमारा यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा फोर्टीन तो ये आंसर हो गया ठीक है ऐसे ही नेक्स्ट देखो बेटा एच में क्या प्लस सेवन में आपको माइनस के एट करने हैं ठीक है ऐड तो कैसे करोगे बेटा यहाँ पे भी आप एडिटिव इन्वर्स ले सकते हो नहीं तो आप इसको ऐसे समझ लो सीधा जब भी ये माइनस और ये माइनस होते तो ये हमेशा प्लस हो जाते तो ये प्लस आ गया और एट को एज इट इज लिख लो तो सेवन प्लस एट कितना हो गया फिफ्टीन कैसे हुआ फिफ्टीन देखो यहाँ से प्लस सेवन चलो जीरो ये रहा जीरो से प्लस सेवन चलो बेटा प्लस सेवन ये रहा ठीक है अब इसमें प्लस एट और ऐड करना यानी कि हमें और आगे बढ़ना है इसमें तो देखो एट आगे बढ़ोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यानी कि फिफ्टीन ठीक है तो ये फिफ्टीन आ गया हमारा ओके तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये सारे नंबर लाइन पर ड्रॉ करने उम्मीद करती हूँ बट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना इस वीडियो में इतना ही अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए थैंक यू